मैं डॉक्टर के वेणु आचार्य शासकीय महाविद्यालय सीपत से आज उत्सर्जन की कार्यकी एवं परासरण नियंत्रण के अंतिम पद पे हैं। यह बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट यूनिट 5 चैप्टर 1 का तीसरा पार्ट है, जिसे हम सी से इंगित कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आज उत्सर्जन की कार्यकी का अंतिम पद यूरिया निर्माण या मल निर्माण करेंगे और परासरण नियंत्रण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज हम इसका पहला पद है यूरिया का निर्माण, इसे हम हिंदी में मल निर्माण कह सकते हैं, यूरिया फॉर्मेशन कह सकते हैं, यूरिया निर्माण की कार्यकी कह सकते हैं। विद्यार्थियों, जैसे मैंने पहले ही बताया कि यह प्रक्रिया या संपूर्ण प्रक्रिया यकृत यानी लीवर के हिपैटिक सेल में संपन्न होता है, और आपको पता है हिपैटिक सेल का जो में प्रारंभ होता है तो ये कहाँ प्रारंभ होता है, यह यूरिया चक्र हिपैटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रारंभ होता है और फिर साइटोप्लाज्म में जाकर इसका समापन होता है। आपके मन में ये प्रश्न सहज उठेगा कि ये लीवर में ही ये प्रक्रिया क्यों होता है, क्योंकि यूरिया निर्माण के लिए जिन एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, जैसे आर्जिनेस, कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेटेस आदि, केवल और केवल हिपैटिक सेल में ही पाए जाते हैं। तो यकृत के अनेक कोशिकाओं के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ हिपैटिक कोशिका में ही यह प्रक्रिया संपन्न होता है। विद्यार्थियों, आपको पता है यह नाइट्रोजिनस वेस्ट है, जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया। तो सर्वप्रथम प्रोटीन का अंतिम उत्पाद जो अमोनिया होता है, जो अतिरिक्त अमोनिया है या जो अमोनिया के जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सभी अमोनिया में परिवर्तित होते हैं। इस प्रक्रिया को हम डीएमिनेशन कहते हैं। डीएमिनेशन के परिणाम स्वरूप अमीनो एसिड से अमोनिया का निर्माण होता है और ट्रांसएमिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन क्रैप्स हैंस क्रैप ने 1937 में खोज किया था। ठीक एक साल बाद रेस्पिरेटरी क्रैप साइकिल के ठीक एक साल बाद उन्होंने खोज किया इसे, इसलिए इसे हम क्रैप साइकिल की भी संज्ञा देते हैं। चूँकि इस प्रक्रिया में ऑर्निथिन का निर्माण होता है या ऑर्निथिन ही एक प्रमुख स्टेप है, इसलिए इसे ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। कुछ विशेष वैज्ञानिकों द्वारा इसे ऑर्निथिन ऑर्जिनिन साइकिल की भी संज्ञा देते हैं, परंतु संक्षिप्त में इसे हम यूरिया साइकिल के ही नाम से जानते हैं। मल निर्माण या यूरिया साइकिल या यूरिया का निर्माण इस चैप्टर का मूल उद्देश्य है। विद्यार्थियों, यह पूरी प्रक्रिया 5 स्टेप में 5 पदों में संपन्न होती है। इसमें 3 एटीपी की आवश्यकता होती है, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल और 1 कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर यूरिया का निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 1 मॉलिक्यूल वाटर की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने पिछले चैप्टर 1A में बताया था, जो अमोनोटेलिक होते हैं उनमें ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है, यूरियोटेलिक में अपेक्षाकृत कम, और यूरिकोटेलिक में जल के बगैर भी उत्सर्जन प्रक्रिया संपन्न हो सकता है। तो उसी पद को याद दिलाते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि इस प्रक्रिया में केवल और केवल 1 जल मॉलिक्यूल का प्रयोग होता है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे इस प्रथम पद को, प्रथम पद कहलाता है कार्बोमिल फॉस्फेट का निर्माण। अगर आप कहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यूरिया निर्माण के 5 पदों का प्रथम पद है कार्बोमिल फॉस्फेट का निर्माण। जैसे कि आपको मैंने बताया अभी कि यह संपूर्ण प्रक्रिया, मतलब कार्बोमिल फॉस्फेट निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी? हिपैटिक सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें 1 अमोनिया मॉलिक्यूल और 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलकर कार्बोमिल फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। कार्बोमिल फॉस्फेट के निर्माण में कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेटेज नामक एंजाइम प्रयुक्त होता है, जो केवल हिपैटिक सेल में होता है। इस प्रक्रिया में 2 ATP प्रयुक्त होते हैं, जिनसे 2 ATP का निर्माण होता है, और फॉस्फेट यहाँ पे
कार्बोमिन फॉस्फेट के रूप में एक्सिबिट करता है। विद्यार्थियों ये पहला पद है जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इसी का दूसरा पद सिट्रुलिन का निर्माण है। अगर आप पहले पद में लिखेंगे कि कार्बोमिल फॉस्फेट का निर्माण, तो दूसरे पद में लिखेंगे सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन या सिट्रुलिन का निर्माण। इस प्रक्रिया में भी सिंथेटेस एंजाइम प्रयुक्त होता है। सिंथेटेस एंजाइम ऑर्निथिन और कार्बोमिल फॉस्फेट को सिंथेसाइज कर सिट्रुलिन का निर्माण करता है। एक प्रकार जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो उस प्रक्रिया में सिंथेटेस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। विद्यार्थियों ये दूसरा पद हिपैटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलकर सिट्रुलिन का निर्माण होता है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि तीसरा पद जो होता है ये अपेक्षाकृत कॉम्प्लिकेटेड होता है। यह एक कंडेंसेशन प्रोसेस है। कंडेंसेशन प्रोसेस मतलब एक अमोनिया जो एस्पर्टिक अम्ल से आता है, वो अमोनिया और सिट्रोलिन आपस में मिलकर आर्जिनो सक्सनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो इसमें आर्जिनो सक्सनिक सिंथेटेस एंजाइम प्रयुक्त होता है। यहाँ पे एक और एटीपी मॉलिक्यूल प्रयुक्त हो रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे अब तक 3 एटीपी प्रयुक्त हो चुके हैं और 2 अमोनिया उपयोग में लाया जा चुका है। 2 अमोनिया, 1 कार्बन डाइऑक्साइड और ये तीसरा एटीपी, यानी कि तीसरा एटीपी और दूसरा अमोनिया यहाँ पे प्रयुक्त होते हैं और सिट्रुलिन से आर्जिनो सक्सनिक अम्ल का निर्माण होता है। विद्यार्थियों इसका चौथा स्टेप है, इसे हम क्लीवेज भी कहते हैं। क्लीवेज यानी भिन्नित होना, दो भागों में बंटना। यहाँ पे मैंने दर्शाया है क्लीव्ड। तो ऑर्जिनोसैक्सनिक एसिड फ्यूमेरिक अम्ल और ऑर्जिनिन में परिवर्तित होता है। विद्यार्थियों ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑर्जिनिन और ऑर्निथिन केवल और केवल हिपैटिक सेल्स में ही बनते हैं। यह एक प्रकार का क्लीवेज प्रक्रिया है जिसमें फ्यूमेरिक अम्ल और ऑर्जिनिन का निर्माण होता है। और इसका जो पांचवा और अंतिम पद है यह पुनः जटिल प्रक्रिया है। इसमें इसे हम ऑर्निथिन निर्माण या सिंथेसिस ऑफ ऑर्निथिन फ्रॉम आर्जिनिन भी कहते हैं। यह प्रक्रिया अंतिम प्रक्रिया है जिसमें यूरिया का निर्माण होता है। विद्यार्थियों ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑर्जिनिन यूरिया और ऑर्निथिन में क्लीव्ड होता है, दो भागों में भिन्नित होता है, बढ़ता है। और इस प्रक्रिया के लिए आर्जिनेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि ऑर्जिनेज एंजाइम केवल हिपैटिक कोशिका में होता है, इसीलिए यह प्रक्रिया यूरिया निर्माण की प्रक्रिया लीवर के हिपैटिक कोशिका में ही संपन्न होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरिया निर्माण के समय एक जल का प्रयोग होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों ऑर्निथिन का निर्माण होता है आर्जिनिन से, इसलिए इसे हम ऑर्निथिन आर्जिनिन या ऑर्निथिन का निर्माण आर्जिनिन से भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आउटपुट ये है कि इसमें यूरिया का निर्माण हो गया। इस यूरिया के निर्माण में 2 अमोनिया, 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और 3 ATP प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार ऑर्निथिन फिर से नए कार्बोमिल फॉस्फेट के साथ मिलकर सिट्रुलिन बनाता है और ये चक्र सदैव चलते रहता है। इस प्रकार यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म में यूरियोटेलिज्म प्रक्रिया में यूरिया का निर्माण निरंतर लीवर में संपन्न होते रहता है। इसे हम यूरिया चक्र कहते हैं और जिसका खोज हैंस्क्रैब ने क्रैब साइकिल की खोज के दौरान ही इसे खोज किया था और लगातार इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला 36 और 37 में इनके खोज के उपरांत। तो विद्यार्थियों मल निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ। यह प्रक्रिया 5 पदों में संपन्न होता है। लीवर के हिपैटिक कोशिका में होता है। अमीनो एसिड डीएमिनेशन के परिणाम स्वरूप अमोनिया का निर्माण करते हैं और ट्रांसएमिनेशन के परिणाम स्वरूप यूरिया का निर्माण करते हैं। यूरिया की संपूर्ण प्रक्रिया का खोज
हैंस क्रैब ने किया था, इसलिए से क्रैब साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल कहते हैं। यह पांच पदों में संपन्न होता है। इसका प्रारंभ हिपेटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोमिल फॉस्फेट बनाते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेसिस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है और दो एटीपी प्रयुक्त होते हैं। इसका द्वितीय पद सिट्रुलिन का निर्माण है, जिसमें ऑर्निथिन और कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेसिस एंजाइम की उपस्थिति में सिंथेसाइज करते हैं सिट्रुलिन। सिट्रुलिन से तृतीय पद ऑर्जिनोसक्सिनिक अम्ल का निर्माण है, इसमें एक एटीपी एक अमोनिया प्रयुक्त होता है और ये एक प्रकार का कंडेंसेशन प्रोसेस है जिसमें ऑर्जिनोसक्सिनिक अम्ल का निर्माण होता है। ऑर्जिनोसक्सिनिक अम्ल से आर्जिनिन का निर्माण से हम चतुर्थ पद कहते हैं, इसे हम लिखते हैं आर्जिनिन का निर्माण। इस यह एक क्लीव्ड प्रक्रिया है, क्लीवेज प्रक्रिया है, जिसमें आर्जिनिन और फ्यूमरिक अम्ल का निर्माण होता है। इसके बाद इसका अंतिम पद, जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्जिनिन से ऑर्निथिन का निर्माण, इस प्रक्रिया में ही यूरिया का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया में आर्जिनेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है और एक जल मॉलिक्यूल के एक वाटर मॉलिक्यूल की उपस्थिति में यूरिया का निर्माण होता है। इस प्रकार यह साइकिल पांच पदों में संपन्न होता है, जिसका कोड हैंस क्रैब ने किया था। तो विद्यार्थियों, अब मैं उत्सर्जन की कार्यकी की अंतिम पड़ाव की ओर हूँ, जिसमें आपसे मैं ऑस्मोरेगुलेशन या परासरण नियंत्रण चर्चा करूँगा। परासरण नियंत्रण का अध्ययन थोड़ा बहुत हम पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं, जब हम यूरिन फॉर्मेशन मूत्र निर्माण का अध्ययन कर रहे थे, तभी हमने देखा था कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है। ऑस्मोरेगुलेशन कुछ नहीं है, जल का संरक्षण ही ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। विद्यार्थियों, हमारे शरीर का जो ब्रिक है, जिसे हम किडनी कहते हैं, इसी में हमारा जल का संरक्षण होता है। किडनी का जो नेफ्रॉन है, ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नेफ्रॉन के भी अलग अलग पार्ट में यह अलग अलग तरह के संपन्न होता है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि इसका जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉर्मुलेटेड ट्यूब्यूल, इस क्षेत्र में ऑब्लिगेटरी ट्रांसपोर्ट होता है, जो एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। विद्यार्थियों, में ये जल का पुनर्अवशोषण की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था 85% जल पीसीटी में रीअब्सॉर्ब हो जाता है, जो पेशी होता है, अर्थात उसमें कोई एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसे हम ऑब्लिगेटरी ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये जल संरक्षण का सबसे बड़ा केंद्र है, रीअब्सॉर्ब होना। अदरवाइज आप जानते हैं कि 180 लीटर प्रति दिन के हिसाब से अगर फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, तो पूरा जल समाप्त हो सकता है शरीर का और मृत्यु भी संभव है। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं हमारा शरीर का 70% भाग जल है, और अगर उसका 10%, अगर पूरे शरीर का 7% जल भी हानि होती है, तो डिहाइड्रेशन से तुरंत मृत्यु हो सकती है। इसलिए जल संरक्षण अति महत्वपूर्ण घटना है, परिघटना है, जिसके लिए ब्रिक के नेफ्रॉन्स उत्तरदायी होते हैं। विद्यार्थियों, अब मैं उस पार्ट को हाईलाइट करूंगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, हेनले लूप। हेनले लूप में दो पाद होते हैं, एक होता है आरोही पाद और एक होता है अवरोही पाद, असेंडिंग लिम और डिसेंडिंग लिम। तो आप जानते हैं असेंडिंग लिम और डिसेंडिंग लिम का हम पिछले पार्ट में चर्चा कर चुके हैं। तो असेंडिंग लिम्फ में क्या होता है, रीनल फ्लूइड जब आता है, तो यह असेंडिंग लिम्फ सोडियम और जल दोनों के लिए परमेबल होता है, क्योंकि इसमें जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो सोडियम के लिए परमेबल होता है और जल के लिए परमेबल होता है।
तो जैसे असेंडिंग लिम्फ में रीनल फ्लूड आता है, आपको पता है कि ऑब्लिगेटरी पैसिव ट्रांसपोर्ट के पश्चात या आइसोटोनिक कंडीशन में होता है। यहाँ पे ये फ्लूड सोडियम और वाटर निकल, जैसे जैसे सोडियम मतलब रीनल फ्लूड जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहा है, सोडियम मॉलिक्यूल अंदर निकलते हैं, जल बाहर। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, एक्सफ्लक्स ऑफ वाटर, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, एक्सफ्लक्स ऑफ वाटर, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, एक्सफ्लक्स ऑफ वाटर। अगर इसको हम 900 यूनिट ले, यहाँ पे 1000 यूनिट ले, यहाँ 1200 यूनिट ले, तो यहाँ 1400 यूनिट तक आ जाता है। इस प्रकार ये जो फ्लूड है, रीनल फ्लूड है, ये क्या हो जाता है, किस कंडीशन में हो जाता है, ये हाइपरटॉनिक कंडीशन में आ जाता है। हाइपरटॉनिक कंडीशन में आने का मतलब ये है कि इसमें अतिरिक्त जल, जो अधिकांश जल की मात्रा है, पुनर्अवशोषित हो चुका है। विद्यार्थियों, जब ये जो रीनल फ्लूड है आरोही असेंडिंग लिम्ब से अवरोही अर्थात डिसेंडिंग लिम्ब की ओर जब बढ़ता है, तो ये क्या होता है, इसका परसेंटेज फिर से 1200, फिर से 1000, फिर से 900, इस प्रकार सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम होने लगता है, मतलब ये बराबर होता है। विद्यार्थियों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिसेंडिंग लिम्ब में केवल सोडियम आयन बाहर निकलते हैं, एक्सफ्लक्स होते हैं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल अंदर नहीं आता। बहुत ध्यान से देखेंगे विद्यार्थियों, ये थोड़ा समझने में तकलीफ होता है आपको। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सोडियम आयन कहाँ आया, नेफ्रॉन के अंदर। कहाँ पे आया है, ये मेडुला पार्ट में पाया जाता है। ऊपर कॉर्टेक्स, नीचे मेडुला था, तो मेडुला पार्ट में जो सोडियम आयन था वो इसके अंदर आया और उसके बदले में जल बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही अवरोही में जाता है, अवरोही पाद में जाता है, लिम्ब में जाता है, तो वो सोडियम आयन फिर से बाहर आ जाते हैं। बाहर कहाँ चले गए, ये मेडुला पार्ट में चले गए। लेकिन इस समय जो नेफ्रॉन से जल बाहर निकला था, फिर नेफ्रॉन में आ जाना चाहिए, वो नहीं आ पाता। अर्थात इसका मतलब है हमारे शरीर का जल का संरक्षण हो रहा है। ये एक प्रकार का जल संरक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसे हेयर पिन काउंटर करंट सिस्टम कहते हैं, जिसका खोज विच एंड ब्रे नामक साइंटिस्टों ने खोज किया। इसे इसके लिए इन्होंने पूरी दुनिया में इनका विशिष्ट रूप से नाम लिया जाता है, और इसे सामान्य रूप से हम काउंटर करंट सिस्टम भी कहते हैं या हेयर पिन काउंटर करंट सिस्टम भी कहते हैं, जो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके पश्चात जब हम डीसीटी में जाते हैं, यहाँ से जब डीसीटी में जाता है, तो जल जो यहाँ 85% जल अवशोषित हो गया है, तो ये बाकी जल भी यहाँ से अवशोषण होने के बाद जो बचा हुआ जल है वो फैकल्टेटिव रूप से ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब जो बचा जल है, इसका त्याग कितने मात्रा में करना है, इसका निर्धारण वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ADH भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ये निर्धारित करता है। ये कैसे निर्धारित करता है, जब बारिश का समय है और शरीर में बहुत ज़्यादा जल है, उनको जल की आवश्यकता नहीं है, तब ये ADH हार्मोन कम रीअब्जॉर्ब करता है शरीर में जल, और अधिकांश जल मूत्र के रूप में त्याग देता है। अर्थात बारिश के समय में ज़्यादा यूरिन पास करते हैं, ज़्यादा मूत्र त्यागते हैं। इसी प्रकार जब समर सीजन आता है, ग्रीष्म ऋतु आता है, तो ये वैसोप्रेसिन शरीर की संरचना संरक्षण के लिए अधिकांश जल को अवशोषित करके सुरक्षित रखता है। अर्थात यूरिन का जो मात्रा है, मूत्र की जो मात्रा है, वो कम हो जाता है। अर्थात ये एक प्रकार का फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन प्रक्रिया है, जो एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट होता है, अर्थात ATP की खर्च से ही पार्टिसिपेट हो क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद ये जब कलेक्टिंग डक्ट में जाता है,
तो कलेक्टिंग डक्ट से अधिकांश वाटर फिर से यहाँ पे वापस ले लिया जाता है, या जो अतिरिक्त जल है उसका पुनर अवशोषण कर लिया जाता है, और जब मूत्र का निर्माण होता है तब उसमें जो शेष जल है या जो यूरिया, यूरिक एसिड, इंडोलिक एसिड को निकालने के लिए जितने जल की आवश्यकता है उतने ही जल के साथ मूत्र का त्याग किया जाता है। विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य यह है कि ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियंत्रण, जल नियंत्रण की सबसे उचित या जल नियंत्रण का एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ब्रिक या नेफ्रॉन भाग लेते हैं, ब्रिक का नेफ्रॉन भाग लेते हैं जो मुख्य रूप से हैनले लूप में संपन्न होती है। हैनले लूप के आरोही और अवरोही जो पाद होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब होते हैं, उसमें पाए जाने वाली कोशिकाएं होती हैं वो विशिष्ट रूप से मॉडिफाइड रूपांतरित होती है। वो सोडियम आयन के लिए जब परमेबल होता है तो जल के लिए परमेबल होता है आरोही पद में, अवरोही पद में केवल सोडियम आयन के लिए ही वो सोडियम आयन ही परासरित हो सकती है, है ना। इसीलिए यहाँ पे जल वापस इसमें नहीं आता है, जल त्यागने की प्रक्रिया में कमी होती है और इस प्रकार हमारे शरीर का जल का संरक्षण होता है। इसके अलावा ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन, फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन भी महत्वपूर्ण रूप से इसमें रोल अदा करते हैं, और यह आप सभी को पता है यह प्रक्रिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होता है। हार्मोन्स इसमें जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं जल का पुनर्वशोषण के लिए, उसे हम वैसोप्रेसिन कहते हैं, और अगर ये वैसोप्रेसिन काम नहीं कर पाया किसी व्यक्ति विशेष में तो आपको पता है उस रोग को हम क्या कहते हैं, उस रोग को हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। तो ये डायबिटीज इंसिपिडस से अलग है। डायबिटीज इंसिपिडस में जल के साथ शुगर भी बाहर निकलता है, परंतु यहाँ पे जब सिर्फ और सिर्फ जल की अतिरिक्त मात्रा अवशोषित नहीं हो पाती है या जल की अतिरिक्त मात्रा त्याग की जाती है मूत्र के साथ सदैव, तो जिसकी वजह से मृत्यु भी संभव है, उसे हम डायबिटीज मेलिटस की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार परासरण नियंत्रण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल शरीर में नियंत्रण किया जाता है और जल नियंत्रण ही शरीर का नियंत्रण है। 10% जल की हानि से मृत्यु भी संभव है, इसलिए इसे हम विशेष रूप से इसका अध्ययन हम परासरण नियंत्रण उत्सर्जन की कार्यकी के अंतर्गत करते हैं। तो विद्यार्थियों, उत्सर्जन की कार्यकी और परासरण नियंत्रण का संपूर्ण प्रक्रिया 3 पदों में संपन्न हुआ, जिसमें चैप्टर 1 में हमने फंडामेंटल ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन देखे, सेकेंड पार्ट में बी पार्ट में हमने देखा कि यूरिन का निर्माण कैसे होता है, और तीसरे पार्ट में हम देखें कि यूरिया का निर्माण कैसे होता है और ऑस्मोरेगुलेशन कैसा होता है। तो धन्यवाद, थैंक यू।